हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे बोल्ट के ये ईयरफोन जो कि है बोल्ट स्ट्रोम, और काफी शानदार है वो ईयरफोन है। ये है इसका बॉक्स और करता हूँ मैं इसकी पूरी डिटेल्ड अनबॉक्सिंग और आपको यूज में लेके बताता हूँ कि आखिर ये जो चीज है ये है कैसी। 400 रुपए इसकी प्राइस है लगभग, तो ये 400 रुपए की चीज है या बिल्कुल भी नहीं है, तो वो टेस्टिंग है वो पूरी हम आगे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर वो जरूर करें। तो ये है अपने पास बोल्ट स्ट्रोम का बॉक्स, और एकदम छोटा सा और लाइट वेट बॉक्स है। अगर कुछ हाइलाइट्स की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जिंक ड्राइवर केस दिया गया है, 1 ईयर की हमें वारंटी मिल जाती है, एक्स्ट्रा बास दिया गया है, डीप बास दिया गया है, बिल्ट इन माइक दिया गया है, माइक तो आपको सुना ही है, और उसके अलावा माइक्रो वूफर्स हैं वो दिए गए हैं। तो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, ये जो भी दे रखे हैं माइक्रो वूफर, डीप बास, एक्स्ट्रा बास, आखिर में इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी बनती है। हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास साउंड है वो एकदम मस्त आना चाहिए। उसके अलावा अगर इसकी MRP की बात करें तो वो है 999 रुपये, और ये हमें मिल जाएगा 350 रुपये से 450 के बीच के अंदर। मोस्टली अगर हम माने इसको तो 400 के आसपास ही मिलता है, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे हिसाब से कुल मिला के काफ़ी अच्छा है। तो करते हैं इसकी सील है वो ब्रेक, और उसके बाद में दिखाता हूँ आपको प्रोडक्ट को। और इसके अंदर कुछ ऐसा है, ये इसका मैकेनिज्म है, बाकी ये बॉक्स है पूरा खाली। इसको रखते हैं हम साइड में, और यहाँ अपने ये मैन है वो ईयरफोन्स हैं। पीछे की तरफ अगर मैं देखूँ तो हमें एक रजिस्टर वारंटी कार्ड मिलता है, और QR कोड है वो स्कैन करके हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं बोल्ट ऑडियो को। उसके अलावा हम इसके अंदर देखें तो यहाँ हमें ये कुछ एक्स्ट्रा है वो ईयर टिप्स हैं वो मिल जाते हैं। तो साइज़ देखते हैं इनकी, साइज़ क्या दे रखी है, तो हमें ये एक्स्ट्रा स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज साइज वाले हैं ईयर टिप्स मिल जाते हैं, और जो मीडियम ईयर टिप्स हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। तो ये चीज़ है कुल मिला के ठीक है कि ये एक्स्ट्रा आए हैं, तो अपनी सेटिंग के हिसाब से है वो हम इनको लगा सकते हैं। अब हम इसको करते हैं बाहर, और उसके बाद में हम देखते हैं अपने मैन है वो प्रोडक्ट को। तो यहाँ से निकालते हैं इसको बाहर, और अगर मैं बात करूँ वायर की तो वायर है एकदम नॉर्मल प्लास्टिक जैसा, कोई ज़्यादा विशेष वायर नहीं है, लेकिन कुल मिला के ठीक है। और यहाँ से हम इसकी बाइंडिंग है वो ओपन करते हैं। ये है हमें गोल्ड प्लेटेड है वो 3.5 mm जैक है वो मिल जाता है, बोल्ट का लोगो है दोनों साइड के अंदर, और यहाँ है वो हमें लेफ्ट राइट है वो दोनों मिल जाते हैं। हल्का हल्का लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखोगे तो ये लेफ्ट का है और ये वाला राइट का है, यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, दोनों साइड के अंदर है वो लिखा हुआ है। उसके अलावा साउंड क्वालिटी है वो चेक करते हैं। अगर एक बार हम ईयर टिप उतार के देखें तो ड्राइवर है वो काफ़ी चौड़ा है, तो इसको वापस लगाते हैं। अब हम टेस्ट करते हैं इसकी साउंड कि आखिर जो इसकी साउंड है वो कैसी आती है। हमें लास्ट में चीज़ एक ही चाहिए कि इसकी साउंड है वो कैसी है। उसके अलावा हमें यहाँ जो ये एक कॉल अटेंड करने के लिए है वो बटन मिल जाता है, और यहाँ एक माइक्रोफोन मिल जाता है बात करने के लिए। तो अब करता हूँ मैं इसको फ़ोन से कनेक्ट, और फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद में हम देखते हैं कि जो साउंड क्वालिटी आखिर वो कितनी ज़्यादा है वो बाहर आती है, और हम एक बार साउंड है वो फुल कर देते हैं। तो आवाज़ आप सुन सकते हो काफ़ी ज़्यादा है वो बाहर आ रही है, तो बाहर आ रही है। अब एक बार हम इसको है वो क्लोज करते हैं, तो साउंड है वो थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है, तो ये चीज़ थोड़ी सी इरिटेटिंग हो सकती है किसी सेकंड पर्सन के लिए। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सुनना है। तो अब हम इसको कानों में लगा के देखते हैं कि इसकी जो फिटिंग है वो कैसी है। मैंने कर लिया है इनको फोन से कनेक्ट, और अब मैं इनको लगा के देखता हूँ कि जो साउंड है वो कैसा आता है। और फिटिंग है वो तो वाकई में काफी शानदार है, और यहाँ से लाइट वेट है तो ऐसे हिलने से है वो निकलेंगे भी नहीं, तो फिटिंग है वो 5 स्टार है, फिटिंग में कोई गड़बड़ नहीं है। अब हम चेक करते हैं मैन है वो इसकी साउंड क्वालिटी, ये जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। तो मैं प्ले करके देखता हूँ, और वाकई काफी शानदार साउंड है, मतलब 400 रुपए के अंदर ऐसी साउंड अमेजिंग है। मैं 70% वॉल्यूम पे वो सुन रहा हूँ, तो 70% वॉल्यूम है वो मुझे एकदम मतलब परफेक्ट लगती है। अगर 100% करता हूँ तो काफी ज्यादा हो जाएगा, और कंफर्टेबल है, तो मैं देता हूँ इस प्रोडक्ट को 4 स्टार। 400 रुपए में इसमें कोई नुकसान नहीं है। बात करें इसके बास की, तो बास कुल मिला के अच्छा है, मतलब जितना ज्यादा हाइपर कर रखा है उतना नहीं है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा है, और प्राइस को देखते हुए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
तो उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये है कि बढ़िया डील है। जो म्यूजिक की छोटी छोटी बारीकियां होती हैं वो तो ये कैप्चर नहीं करेगा, लेकिन उसके अलावा जितना भी मेजर मेजर जो साउंड है वो काफी शानदार है, वो प्रोवाइड करता है। आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर परचेज करना चाहते हैं तो बाय लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर है वो जरूर करें। और यहाँ ऊपर कॉर्नर में जहाँ मेरे यूजर नेम दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया के, वहां जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।